हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्षित और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेक। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सिंपल से नकली स्नो। सो गाइस, आपने देखा होगा जब हम स्नो वर्ल्ड वगैरह जैसी कई सारी अम्यूजमेंट पार्क्स में जो होता है उसके अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं वो जो स्नो होती है वो जल्दी पिघलती नहीं है और उधर एकदम वो चिल्ड रहती है। सो गाइस, अब आप सोचिए जब रात को वो लोग अपना चिलर बंद करते होंगे तभी भी तो स्नो पिघलती होगी, लेकिन नहीं गाइस, वो नहीं पिघलती है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वही स्नो बनाना। सो गाइस, बिना टाइम ना बर्बाद करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है या अभी अभी कोई पैदा हुआ हुआ बच्चा है या आपके घर में ही कोई छोटा बच्चा है तो हमें सिंपली क्या करना है, उससे उसका डायपर मांग लेना है और फिर ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस डायपर को खोल लेना है ब्लेड की मदद से। तो हम इसे सिंपली खोल लेते हैं और ये डायपर कुछ इस प्रकार से निकलता है और फिर हमें इसे इन सब जगहों से भी इसका खोल लेना है कुछ ऐसे। अब गाइस, हमें क्या करना है, इन सब पार्ट्स को भी खोल लेना है कुछ इस प्रकार से। हम इसे करेंगे सो गाइस, अब हमें क्या करना है, गाइस हमें क्या करना है, सिंपली अपने ब्लेड से लेना है और इसे कुछ ऐसे फाड़ देना है, बीच में से काटना है और ये आप देख सकते हैं कट गया है। अब ये जो परत होती है कपड़े की, इसी के नीचे होता है मेन चीज़। आपने देखा होगा पैडमैन जैसी जो मूवीज़ है बढ़िया बढ़िया अक्षय सर की, उसके अंदर उन्होंने इस रुई को दिखाया था। ये जो रुई होती है ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है और ये एब्जॉर्व करने के बाद भी गीली नहीं होती है। सो गाइस, हमें इसी रुई का यूज़ करना है और हम सिंपली क्या करेंगे, इस डाइपर में से इस रुई को निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं पूरा परत है रुई का। अब हमें इस डायपर का कोई काम नहीं है, हम इसे रखेंगे साइड में। हमें ये रुई मिल गई है। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे, तो पहले हम इतने समय ट्राई करते हैं। ये रख लिया हमने रुई और ये है मेरे पास वाटर। अब हम इस वाटर को खोल लेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पहले वाटर, आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक वाटर को एब्जॉर्व कर लिया है। और ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये स्नो टाइप का ही हो गया है। अभी मैं आपको इसको पूरी तरीके से वैसे करके दिखाऊंगा। सो अब हम ले लेते हैं बाकी बची हुई अपनी रुई को। ये रुई तो नहीं लेकिन उसी के प्रकार का है, इसे ले लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसके अंदर वाटर। आई थिंक इतना वाटर काफ़ी होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे कुछ इस प्रकार से मिक्स करना है। तो अब वाटर और हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल स्नो के तरह का ही हो गया है। बाकी चीज़ों को रख लेते हैं साइड में। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से स्नो की तरह हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो लोग इसे कैसे रखते हैं। तो वो लोग सिंपली क्या करते हैं, अपने पूरे फर्श पे इस प्रकार का डाइपर से तो नहीं, वो लोग डायरेक्ट फैक्ट्री से ही खरीद लेते हैं, ये सब खरीद के बिछा देते हैं और पानी डाल देते हैं और फिर अपना जो भी चिलर कूलर या फिर एसी एयर कंडीशन वगैरह रहते हैं ऑन कर देते हैं, जिससे इनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। और फिर हम लोग जाते हैं उधर, इसी को हाथ में लेते हैं, इसके स्नोबॉल्स बनाते हैं और फिर खेलते हैं। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम बना सकते हैं फेक स्नो जो कि 100% रियल है, रियल टाइप की दिखती है और जो कि कई जगह स्नो वर्ल्ड्स में जैसे
मलेशिया वगैरह और जो अम्यूजमेंट पार्क है, मैजिका वगैरह जितने भी स्नो वर्ल्ड है वहाँ पर कुछ इसी प्रकार के केमिकल्स और रुईयों का यूज होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम और उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर ऑसम कंटेंट। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।